हेलो एवरीवन, इस वक्त हम मौजूद हैं बालापुर आरसीआई एयरपोर्ट रोड मल्लापुर के पास में, और यहीं पर आप देख सकते हैं विद्यादानी गर्ल्स कॉलेज है। विद्यादानी गर्ल्स कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट में द्वारका बालाजी टाउनशिप में दोस्तों एक 3 BHK ड्यूप्लेक्स न्यू हाउस अभी अवेलेबल है सेल के लिए। वीडियो को बिना स्किप के पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको सारी जानकारी हासिल हो सके। केशरी कंस्ट्रक्शन की तरफ से दोस्तों ये वाला ड्यूप्लेक्स हाउस बनाया गया है, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों द्वारका बालाजी टाउनशिप का एंट्रेंस, और यहीं पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेन रोड जो है 40 फीट, और सब रोड आप देख सकते हैं 30 फीट की रोड है दोस्तों। सराउंडिंग में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ड्यूप्लेक्स हाउस और विला भी यहाँ पर बनाए गए हैं, और यहीं पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा ड्यूप्लेक्स हाउस अवेलेबल है सेल के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। घर में एंटर होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग को जगह दी गई है, इसी के साथ यहीं पर वाटर सम बोरवेल कनेक्शन, ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स, ओपन सीट आउट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, और सेटबैक भी यहाँ पर बनाया गया है, और इसी के साथ यहीं पर आप देख सकते हैं दोस्तों लिविंग हॉल का भी यहाँ पर रास्ता दिया गया है। लिविंग हॉल में सबसे पहले हम अगर फ्लोरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर टाइल्स की फ्लोरिंग की गई है, इसी के साथ अगर हम सीलिंग की बात करेंगे तो POP और फॉल्स सीलिंग की यहाँ पर डिजाइनिंग दी गई है। दीवार पर आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों LED सेटअप वगैरह दिया गया है, इसी के साथ यहीं पर एक स्टोर रूम भी बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर के पोर्शन में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मॉड्यूलर किचन भी बनाया गया है, और एक बेडरूम बनाया गया है जिसके साथ अटैच बाथरूम दिया गया है दोस्तों। ये रहा बेडरूम, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों फ्लोरिंग पर टाइल्स का काम किया गया है, सीलिंग पर आप देख सकते हैं POP और फॉल सीलिंग की डिजाइनिंग की गई है, कबर्ड और वार्डरोब यहाँ पर फिट किया गया है, ये आप देख सकते हैं। किचन आप देख सकते हैं दोस्तों मॉड्यूलर किचन बनाया गया है, प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, इसी के साथ सामान वगैरह रखने के लिए भी यहाँ पर कबर्ड वगैरह बनाया गया है, वेंटिलेशन को यहाँ पर सेटबैक से रास्ता दिया गया है, और यहीं पर वॉशिंग एरिया और बोरवेल का कनेक्शन दिया गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर के बाद अभी हम आपको फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर में दोस्तों आप देख सकते हैं एक ड्रॉइंग रूम, एक बेडरूम और एक लिविंग हॉल बनाया गया है दोस्तों। इंटीरियर डिजाइनिंग आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफी शानदार डिजाइनिंग की गई है, सीलिंग पर आप देख सकते हैं और रेलिंग आप देख सकते हैं, फ्लोरिंग आप देख सकते हैं दोस्तों। कंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे तो काफी हाई क्वालिटी मटेरियल इसमें यूज किया गया है, जो कोई कस्टमर अपने लिए ये वाली प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं वो स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर वरांडा बनाया गया है दोस्तों, और यहीं पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक बेडरूम बनाया गया है जिसमें अटैच बाथरूम और इसी के साथ यहीं पर ड्रेसिंग रूम भी बनाया गया है, कबर्ड और वार्डरोब की भी यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है, सीलिंग पर आप देख सकते हैं POP फॉल सीलिंग की डिजाइनिंग की गई है, फ्लोरिंग पर आप देख सकते हैं टाइल्स की फ्लोरिंग की गई है। इसी तरह आप भी अपनी प्रॉपर्टी हमारे चैनल के थ्रू सेल करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये रहा लिविंग हॉल, लिविंग हॉल आप यहाँ देख सकते हैं काफी स्पेशियस बनाया गया है, और ये रहा एक और बेडरूम, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्लोरिंग पर टाइल्स का काम किया गया है, सीलिंग आप देख सकते हैं POP फॉल सीलिंग की डिजाइनिंग दी गई है, कबर्ड और वार्डरोब की यहाँ पर फिटिंग की गई है, वेंटिलेशन को विंडो दी गई है, अटैच बाथरूम यहां पर बनाया गया है, और अटैच बाथरूम के बिल्कुल पास में आप देख सकते हैं दोस्तों ड्रेसिंग रूम भी यहां पर दिया गया है। अभी वीडियो के एंड में हम आपको टेरेस से एक कंप्लीट व्यू दिखाएंगे, जो कोई कस्टमर अपने लिए ये वाली प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं वो ओनर को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके उनसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट से आप देख सकते हैं दोस्तों ओनली 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर बालापुर RCI एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल पास में द्वारका बालाजी टाउनशिप में दोस्तों एक 3 BHK ड्यूप्लेक्स हाउस अवेलेबल है सेल के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।